कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह एक बार फिर अपने बयान को लेकर घिरते नजर आ रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तान के एक पत्रकार से क्लब हाउस चैट के दौरान विवादित बयान देते हुए कहा कि कांग्रेस सत्ता में आई तो जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की बहाली पर विचार किया जाएगा। उन्होंने आर्टिकल 370 पर मोदी सरकार के इस फैसले को दुखद बताया। दिग्विजय सिंह के इस बयान को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा और कहा कि दिग्विजय पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कांग्रेस का हाथ पाकिस्तान के साथ है, कभी हिंदू आतंकवाद तो कभी आतंकवादियों को जी कहकर संबोधित कर अक्सर विवादों में रहने और सुर्खियां बटोरने वाले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह इस बार पाकिस्तान के एक पत्रकार से क्लब हाउस चैट के दौरान जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को फिर से बहाल करने पर विचार करने के विवादित बयान को लेकर चर्चा में हैं। दिग्विजय ने क्लब हाउस चैट के दौरान कहा कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने का फैसला दुखद है। जम्मू कश्मीर में न लोकतंत्र है न ही कश्मीरियत है। उन्होंने जिक्र किया कि किस तरह एक समय जम्मू कश्मीर का राजा हिंदू था और सभी मिलकर रहते थे। उन्होंने कहा कांग्रेस सत्ता में आई तो आर्टिकल 370 पर विचार करेंगे। दावा किया जा रहा है कि इस चैट में दिग्विजय सिंह ने जिस सवाल के जवाब में यह बोला वो एक पाकिस्तानी पत्रकार का था। दरअसल क्लब हाउस iOS और एंड्रॉइड के लिए एक सोशल मीडिया ऐप है जहां उपयोगकर्ता वॉइस चैट रूम में संवाद कर सकते हैं जो 5000 लोगों के समूह को समायोजित करते हैं। यह ऐप केवल वॉइस चैट का ही समर्थन करता है। आइए आपको सुनाते हैं दिग्विजय सिंह के उस विवादित बयान को। डेमोक्रेसी वॉज नॉट देयर इन कश्मीर when they revoked आर्टिकल 370. Then insaniyat was not there because they put everyone behind bars. And Kashmiriyat is something which is basically the fundamentals of secularism. Because in a Muslim majority state, there was a Hindu Raja and both worked together. In fact, the reservation in Kashmir was given to the Kashmiri Pandits in government services. So therefore, the decision of revoking Article 370 and reducing the statehood of JNK is extremely, I would say, sad decision. And the Congress party would certainly have to have a relook on this issue. Thank you. Thank you so much. Thank you, Shahzeb. Next speaker is, Nyanesh. Nyanesh, please ask your question. Thank you so much. दिग्विजय सिंह के इस बयान पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी से इस पर जवाब मांगा है। शिवराज सिंह चौहान ने दिग्विजय सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि कश्मीर भारत का मुकुटमणि है, अभिन्न अंग है। ये कांग्रेस ही थी जिसने कश्मीर में धारा 370 लगाने का पाप किया था। हमारे प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा सरकार ने धारा 370 हटा दी। अब देश में दो विधान दो निशान नहीं है, लेकिन अब कांग्रेस फिर पाकिस्तान की भाषा बोल रही है। उनके नेता दिग्विजय सिंह कहते हैं धारा 370 हटाने पर पुनर्विचार किया जाएगा। क्या पुनर्विचार करेगी कांग्रेस? क्या फिर धारा 370 थोप के अलगाववाद को हवा देगी, आतंकवाद को बढ़ावा देगी? कश्मीर भारत का मुकुटमणि है, अभिन्न अंग है। ये कांग्रेस ही थी जिसने कश्मीर में धारा 370 लगाने का पाप किया था। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने धारा 370 हटा दी। अब एक देश में दो विधान दो निशान दो प्रधान नहीं है, लेकिन कांग्रेस अब फिर पाकिस्तान की भाषा बोल रही है। कांग्रेस के नेता दिग्विजय कहते हैं कि धारा 370 हटाने पर पुनर्विचार किया जाएगा। क्या पुनर्विचार करेगी कांग्रेस? क्या फिर से धारा 370 थोप के अलगाववाद को हवा देगी, आतंकवाद को प्रश्रय देगी?
कांग्रेस का हाथ पाकिस्तान के साथ, ये कांग्रेस की पाकिस्तानी मानसिकता है, जो पाकिस्तान कहता है वही कांग्रेस कहती है। सोनिया जी जवाब दो, देश आपसे जवाब चाहता है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।